मॉर्निंग विद मी मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ सेंटेंसेस देखने वाले हैं और आप लोग मुझे बताएंगे कि वो सेंटेंसेस सही हैं या गलत हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट, क्या ये सेंटेंस सही है? क्वेश्चन नंबर टू, ही रिगार्डेड मी हिज एल्डर सिस्टर, क्या ये सेंटेंस सही है? क्वेश्चन नंबर थ्री, बायोलॉजी इज डिफाइंड द साइंस ऑफ लिविंग बींग्स, क्या ये सेंटेंस सही है? मुझे लग रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब कन्फ्यूजन हो गया, ये तीनों ही सेंटेंसेस हमारे गलत हैं। दीज थ्री सेंटेंसेस आर रॉन्ग। इन सारे के सारे सेंटेंसेस में एरर क्या है? वॉट इज द एरर? फर्स्ट सेंटेंस, ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। सेकेंड सेंटेंस, ही रिगार्डेड मी एज हिज एल्डर सिस्टर। बायोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ लिविंग बींग्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम एज लगाते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम एज नहीं लगाते। तो एक बार देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स के आगे एज लगता है और कौन कौन से वर्ड्स के आगे एज नहीं लगता। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो कैटेगरीज हैं यहाँ पे। कैटेगरी वन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, व्यू। आप इन वर्ड्स के आगे एज नहीं लगाओगे, जबकि हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, चूज, इनके आगे हमेशा और हमेशा आप एज लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही वॉज इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर एकदम गलत है। बायोलॉजी इज डिफाइंड द साइंस एज साइंस एकदम गलत है। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। तो जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में वादा किया था कि आपके सामने आऊंगा कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने से रिलेटेड हैं और जिन नंबर्स में डिफरेंस होगा ऑड का। अगर जिसने कल की वीडियो नहीं देखी है, एक बार कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम नंबर शुड बी एडेड सो दैट इट विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, में क्या जोड़ा जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलिए गाइस, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। इन दोनों का यहाँ पर डिफरेंस है 9, ये एक ऑड डिफरेंस है। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, इनके मल्टीप्लीकेशन का जो भी रिजल्ट होगा उसमें कितना मिनिमम नंबर जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर इनके बीच का इवन नंबर है तो वो तो मैंने कल बता दिया था डिफरेंस। अगर डिफरेंस इवन नंबर है तो कल बता दिया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर इनके बीच का डिफरेंस ऑड है तो हमें क्या करना है। सिंपली आपको करना क्या है, डिफरेंस लिया, डिफरेंस में एक ऐड करो और उसको आधा कर दो और उसका स्क्वायर कर दो। ये हुआ कितना आया, 9 × 10, 10/2, 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। बस ये जो आपका रिजल्ट यहां पर आया है इसको स्मॉलेस्ट नंबर में आपको ऐड कर देना है और यही होगा आपका फाइनल आंसर, यानी कि 145। यानी कि अगर आप इस रिजल्ट में 145 ऐड कर देंगे तो आपका जो भी यहां पर रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आज की हमारी ट्रिक क्या है देखते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी आज की, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए करना क्या है, डिफरेंस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर, ये आपको करना है गाइस, ये है ट्रिक। चलिए देखते हैं इसको भी। डिफरेंस कितना, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, 8/2, 4, 4 का स्क्वायर 16, 130 में 16 को ऐड कर देंगे तो गाइस यहां पर ये आ जाएगा 146। यानी कि आप इनके रिजल्ट में अगर 146 को ऐड कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर इन दोनों से आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है तो मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में जरूर देंगे। तो कमेंट कीजिएगा अपना आंसर, ओ ओ ओ, तो कमेंट कीजिएगा अपना आंसर। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, कमेंट योर आंसर। मैं आपके
सवालों के जो जवाब आएंगे उनका मैं इंतजार करूंगा और मैं अगली वीडियो में बताऊंगा सबसे पहला कमेंट किसका आया इस आंसर का। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो guys, अगर आपको sessions बहुत अच्छे लग रहे हैं तो like करना ना भूले, और अगर आप ऐसी videos आगे भी देखना चाहते हैं तो channel को subscribe करना ना भूले। You will meet us every day. और share जरूर करो।